मैं वाजिद भाई नीचे बैठो। वाजिद भाई 15 दिन के बाद मराठीत बोला, मराठीत नहीं हिंदी में बोले चलेगा, साहब हिंदी में बोलो। वैसे गोकर्धन के हालात रोज सुनता था और जानता था, जैसे देश भर में लोग अनशन पे बैठे ऐसे गोकर्धन में बैठे हैं, तो मैंने सभी क्षेत्र को सभी फोन किया कि भाई मेरे गांव के सभी मुसलमान भाई एक जगह बैठे हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी लड़ाई कानून से चल रही है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मेरे गांव के लोग कोई भी कारण से हो अगर बैठे हो तो उनसे जाकर मैं मिलूं। अभी शफीक शेख ने बोला है कि हमारी लड़ाई कानून के खिलाफ है, ये बात सही है कि आप ही ने कि देश भर में ये वातावरण है, लेकिन इसके बारे में मैं आज अगर कुछ बोलूं तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे माहौल आपके भी समझ में आएगा। आज हर पार्टी के लोग अपने पास आके भाषण भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कितना भी बोलूं तो मेरा बोलना आज ठीक नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आया ना तो आपको समझाने को आया ना तो सुनने को आया, मैं तुम्हारे गांव का हूँ, तुम मेरे गांव के हैं, और इतने दिनों से बैठे हैं तो मुझे लगा कि भाई एक बार जाकर मिलना है, क्योंकि तुमसे मेरी दुश्मनी नहीं, मुझसे तुम्हारी दुश्मनी है। मैं 35 साल से रह रहा हूँ, शफीक तो मेरे से छोटा है, लेकिन कोई बुजुर्ग लोग भी थे जैसे रज्जाक सेठ थे, हमारे नगर अध्यक्ष पहले क्या नाम शेख चांद हजरत थे, जब से मैं ये शहर में रहता हूँ, लेकिन कभी भी आप लोगों से मेरा झगड़ा नहीं हुआ, ना तो कोई तुम्हारे खिलाफ कभी मैंने एप्लीकेशन किया है, कुछ नहीं किया, आगे भी करने का कोई कारण भी नहीं है। तो मेरा काम था, मैं आज यहाँ आया, आपकी मुलाकात की, बस इतना ही मुझे आज बोलना ठीक लगेगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुलाओ, चर्चा करूँगा मैं भी आपसे। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए खिलाफत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना।